Hi, today we are going to learn graph data structure. So this data structure we can use in computer network where computers are connected to each other for finding best path, or in your general map of any city where you can find the shortest route or the path from one place to another place. So these are the application of graph data structure. तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इज एन ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ सेट वी ऑफ वर्टिसेस एंड अ सेट ई ऑफ एजेस. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ. सो इन दिस ग्राफ इट इज सेट ऑफ वर्टिसेस. सो वर्टिसेस आर ए बी सी डी. फॉर दिस अनडायरेक्टेड ग्राफ देयर इज नो डायरेक्शन इज गिवन. सो दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ. हियर डायरेक्शन इज मेंशनड. For example, A to B, there is a direction, C to A is direction. So this is directed graph or digraph. तो इस graph में vertices are A, B, C, D और edges are A, B, B, D, D, C and C. ठीक है, these are the edges for undirected graph. और directed graph में क्या होगा, vertices A, B, C, D same है but edges आपका A to B है. B to A is does not exist. So why? Because there is a difference between unordered pair and ordered pair. तो unordered pair क्या कहता है? If there is a vertex A and B and both are connected, this is unordered pair. Then A to B are equal to B to A. अगर ordered pair हैं, तो A to B not equal to B to A. Because there is only one direction from A to B. So इसके edges क्या हैं? A to B, B D, B C and C A. So for any graph, some other terminology are like self loop. अगर ये B है, B के ऊपर एक कोई एज अपने आप ही connected है. So this is known as self loop. और इनकेस कोई एज है और अगेन कोई एज आपने सेम कनेक्टेड किया है, दीज टू एजेस आर नोन एज पैरेलल एजेस. ठीक है, और आइसोलेट वर्टेक्स. तो आइसोलेटेड वर्टेक्स, फॉर एग्जांपल इन दिस ग्राफ जी इज नॉट कनेक्टेड टू this graph, so it is isolated vertex. And degree of graph, in degree of, agar we have to find degree of a particular graph, so it is all the degree of vertices, sum of all the degree of vertices. So is vertex ka undirected graph mein is vertex ki degree kya hai, two edges connected hain, isliye iski degree kya hai, two. इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है, फोर, क्योंकि एक एज यहां है, एक वही एज फिर इससे कनेक्टेड है, तो इसलिए फोर है. ठीक है, एंड डिग्री ऑफ बी इक्वल टू फोर अगर ये सेल्फ लूप एग्जिस्ट कर रहा है, और डिग्री ऑफ ए इक्वल टू टू. तो जितने एजेस किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं वो उसकी डिग्री होती है. एंड अब अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सो दिस इज कनेक्टेड ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि जितने भी वर्टिसेस हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो अगर कोई कंप्लीट ग्राफ हमने मेंशन किया है, तो अगर ए बी सी डी, ठीक है, नया एग्जांपल लेते हैं, ये एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है, तो अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये कंप्लीट ग्राफ है. और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आपका कनेक्शन है n इंटू एन माइनस वन बाई टू एजेस. तो यहां पे फोर इंटू थ्री बाई टू, सिक्स एजेस इसमें यूज हैं टोटल कनेक्शन में फॉर कंप्लीट ग्राफ.
there is some other terms for a graph like walk. Walk क्या है? A sequence of vertices where each adjacent pair is connected by an edge. So adjacent pair की meaning क्या है? जैसे A के adjacent vertices क्या हैं? B और C जो उससे connected है. D जो है वो A का adjacent नहीं है क्योंकि D directly A connected नहीं है. डायरेक्टेड ग्राफ में जैसे ए बी कनेक्टेड है, ए से बी कनेक्टेड है, तो ए का एडजेसेंट बी है बट बी का एडजेसेंट ए नहीं है क्योंकि बी से ए कनेक्शन नहीं है. बी का एडजेसेंट सी और डी है, ठीक है. सो दिस इज एडजेसेंट पेयर. तो ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस वेयर ईच एडजेसेंट पेयर इज कनेक्टेड बाई एन एच. तो अगर इसमें हम वॉक फाइंड करें ए टू डी, तो वॉक क्या हो सकता है? ए से आप बी जा सकते हो, बी से सी आ जाओ, सी से ई आओ, ई से फिर बी जाओ, फिर डी जाओ, ये भी एक वॉक हो सकता है. सेकंड क्या हो सकता है? ए से बी आप गए, बी से डी गए, दिस इज आल्सो अ वॉक. ए से बी गए, बी से ई गए, ई से डी गए, दिस इज आल्सो अ वॉक फ्रॉम ए टू डी. पाथ क्या होता है? पाथ इज अ वॉक इन विच नो वर्टिसेस आर रिपीटेड. तो अगर ए से डी हमें पाथ फाइंड करना है तो उसमें वर्टिसेस जो है रिपीटेड नहीं होने चाहिए. तो जैसे ए बी डी, दिस इज पाथ फ्रॉम ए टू डी. अनदर पाथ इज ए बी सी ई एंड डी, दिस इज आल्सो पाथ फ्रॉम ए टू डी, ठीक है. और ट्रेल क्या है? अ वॉक इन विच नो एजेस आर रिपीटेड. अ वॉक जिसमें एजेस रिपीटेड नहीं है. और पाथ में क्या था? वर्टिसेस रिपीटेड नहीं होना चाहिए. तो अगर एजेस रिपीटेड नहीं है तो उसके लिए इस एग्जांपल में जैसे ट्रेल क्या है? ए बी सी ई बी डी एंड जी, दिस इज ट्रेल फ्रॉम ए टू जी. अब देख लो आप ए बी ई, ठीक है, ए बी दिस इज सी, सॉरी दिस इज सी, ए बी सी ई बी डी एंड जी. तो वर्टेक्स तो रिपीट हो गया बट एजेस रिपीट नहीं हुए ए टू जी के लिए. सो दिस इज ट्रेल. पाथ में देयर इज अ साइकिल, द टर्म इज साइकिल. तो अ स्पेशल पाथ वेयर वर्टेक्स स्टार्टिंग वर्टेक्स फॉर एग्जांपल वी एस इक्वल टू जो आपका डेस्टिनेशन वर्टेक्स है. So then that is a cycle. So this is all, cycle is also a special path. So this is basic terminology of graph. Thank you.